Okay. तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डूडलिंग वर्ड्स की विशेष श्रृंखला बतकही। और आज 17वें एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जाने माने पत्रकार, टीवी प्रेजेंटर, रेडियो जॉकी। और पिछले लगभग एक दशक से एक लॉन्ग इंटरव्यू सीरीज के होस्ट श्री सैयद मोहम्मद इरफान साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए। जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा है कि हम आपके देखने वालों के साथ बात कर सकें। सर, मैं इस बातचीत को एक आप ही के किए हुए इंटरव्यू की शुरुआत जो आपने की थी, सौरभ शुक्ला का इंटरव्यू मुझे याद आता है, जिसमें आपने पहला सवाल उनसे पूछा था कि खोजने से तो खुदा भी मिलता है, आप क्या खोजने निकले थे और क्या मिल गया। सो मेरा वही सवाल आपसे है और ये उस तरह से भी हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आपने एक टेड टॉक में ये बताया था कि आप जहां से आते हैं वहां तो अखबार भी नहीं आया करते थे, सुबह का अखबार शाम को आया करता था, तो कैसे आप पत्रकारिता की तरफ आ गए। एक सहज जिज्ञासा कुछ बचपन से ही मेरे मन में जिज्ञासु स्वभाव रहा, वही उसका मूल है जो आज भी मेरे साथ साथ चलता है कि जानू तो सही कि ये है तो ये क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। मूल अगर धारा देखें तो मूल रूप से यही एक बात है जो मुझे कहीं अपनी किशोर अवस्था में, कहीं बचपन में, क्योंकि वो जो जिस जगह पर जिस इंटरव्यू की बात आप, जिस टेड टॉक की बात आप कर रहे हैं, और टेड टॉक के अलावा भी मैंने और जगहों पर भी ये बात कही है, सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्म एक बहुत सीमेंट फैक्ट्री की एक इंडस्ट्रियल कॉलोनी में हुआ, जहाँ पर प्रकृति की एक बड़ी संपदा थी। तो प्रकृति अपने आप में आपको एक वो रास्ते आपके लिए खोलती है कि इंसानों के अलावा प्रकृति के भी रहस्यों को थोड़ा समझा जाए। तो इंसानों की का इतिहास, मतलब उनकी जर्नी, प्रकृति के जो रहस्य हैं, वो उसमें एक स्वाभाविक जो रुझान रहा वो ही उसका कई मूल आधार है। और फिर आप क्या करते हैं कि आप लोगों से मिलते हैं, आप अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से, और इसके अलावा फिर आपके पास किताबें होती हैं। आज की तरह का तो वो माहौल नहीं था जब आपके पास इंटरनेट जैसी चीज थी कि आप एक क्लिक पर आपको सारी सूचनाएं मौजूद थी। सूचनाओं के लिए या मनोरंजन के लिए हमें काफी पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन उसका अपना एक अलग सुख था। और उन प्रयासों की जो प्रक्रिया थी उसने काफी ऑर्गेनिक ढंग से मुझे, मतलब मैं कहूँगा कि समृद्ध किया मुझे और मेरे दोस्तों को, या हमारे साथ के पढ़ने वाले और हमारे समकालीनों को, उस अभावों ने काफी कहा जाए कि सीखने को दिया, सीखने दिया। जी सर, पहला साक्षात्कार सर कौन सा था, जो पहली बार आपने एक साक्षात्कार जो भी किया होगा, अलकाजी साहब वाला आई थिंक। असल में साक्षात्कारों का सिलसिला मेरा सिर्फ टेलीविजन से नहीं शुरू होता, उससे पहले लंबा समय मैंने प्रिंट जर्नलिज्म में गुजारा और बहुत समय मैंने रेडियो जॉकी के तौर गुजारा। तो अगर देखिएगा कि मास कम्युनिकेशन के ये जो तीन मेजर मीडियम्स हैं, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन, तो साक्षात्कारों का सिलसिला तो आप कहिए कि लगातार ही चलता रहा, इसलिए उसको संख्याओं में या दशकों में गिनना शायद ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आप जैसे ही किसी व्यक्ति के सामने, मतलब साक्षात उससे कुछ सवाल पूछते हैं और कुछ जिज्ञासाओं के हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह से साक्षात्कार तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो मुझे अगर याद करने ही चलूं तो मुझे शायद याद नहीं आएगा कि पहली बार कौन सा इंटरव्यू मैंने किस पर्पज से किया होगा। मेरा ख्याल है कि
वो अपने दोस्तों से ही किया होगा। सबसे पहले हम लोगों के जो थिएटर ग्रुप के जो दोस्त थे उनको जानने के लिए आप एक जो साक्षात उनको एक्सप्लोर करते हैं कि उनकी यात्रा क्या है, उनका परिवार क्या है, उनकी स्मृतियां क्या है, उनके सपने क्या है, उनके संघर्ष क्या है, ये जानकर आप धीरे धीरे उनसे नजदीकी यानी वो अजनबियत की जो दीवार है, अपरिचय की जो दीवार है, उसको आप धीरे धीरे तोड़ते हैं या कम करते हैं ताकि आप एक दूसरे को अधिक ठीक से जान पाए। तो उस तरह शायद आंकड़ा गिना पाना संभव नहीं होगा कि पहला इंटरव्यू मैंने अपने जीवन में किससे किया होगा, वो जरूर मैंने अपने दोस्तों से ही किया होगा, अपने सहकर्मियों सहपाठियों से किया होगा। जी बिल्कुल, 400 से अधिक एपिसोड तो आप गुफ्तगू के कर चुके हैं, तो सारे याद कर पाना शायद लगभग नामुमकिन जैसा होगा। सर एक बहुत खास चीज हम जो देखते हैं आपके इंटरव्यू में, वो इतनी सहज और सरल होते हैं, जैसे बिल्कुल आप जिनको भी साक्षात्कार कर रहे हैं उनको आप कई वर्षों से जानते हो या बड़ा पुराना राबता रहा हो। तो यही जिक्र आपके पिछले इंटरव्यू में जहीर साहब ने किया था कि एफर्टलेस होने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। तो हमारा सवाल आपसे यही है कि आप जो इतने एफर्टलेस दिखते हैं या दिखते क्या, इतने एफर्टलेस आप होते हैं ऑन स्क्रीन, इसके लिए क्या एक लंबी जर्नी रही होगी, क्या तैयारियां, यदि कोई नए लोग उनको सीखना चाहें जो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, उन्हें क्या का कहरा सीखना चाहिए? देखिए आपके ये सवाल में ही इसका जवाब थोड़ा सा छुपा हुआ है शुरू के हिस्से में, कि जब आप किसी को किसी के सामने सहज रूप से प्रस्तुत होते हैं या किसी के साथ आप कोई बातचीत शुरू करते हैं तो आमतौर पर वो अपरिचय से शुरू नहीं होता, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में आपसे कहा जाता है कि आपको हर विषय में दिलचस्पी रखनी चाहिए, हर विषय का मतलब फिर हर विषय में दिलचस्पी रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उसके बड़े कोई ज्ञाता और बड़े उसके पंडित बन जाएं। हाँ, आपको ये नहीं करना चाहिए कि किसी एक विधा में आपने बहुत एक्सेल कर लिया और बाकी विधाओं के बारे में कुछ भी नहीं, उसकी जो एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो भी ना जाने, तो ये शायद उचित नहीं होता पत्रकारिता के ये उसमें ककहरे में ये शामिल है कि आपको सभी चीजों के बारे में आपको रुचि देनी चाहिए। अब इसको एक उदाहरण से आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप वरुण प्रधान लंबे समय से गुफ्तगु देख रहे हैं, तो देख रहे हैं इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट है उनका जाने अनजाने, उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो गुफ्तगु देखते हुए कोई अपने मन में कोई उसकी जो सूचनात्मक उसका जो तंत्र है उसको कहीं इकट्ठा करेंगे। वो एक सहज जिज्ञासा से उन्होंने इस विषय में रुचि ली, इंटरव्यू कला के में दिलचस्पी ली, उसके बाद मुझमें ली और मेरे साथ जो गेस्ट सामने आते हैं उनमें ली। इस तरह से आपकी एक तरह से तैयारी शुरू हो जाती है। आज से 20 साल बाद अगर आप किसी इंटरव्यू में या मेरे ही साथ आपकी मुलाकात हो, अगर मैं जीवित रहा तो आप बड़ी सहजता से मेरे साथ पेश आ सकते हैं, क्योंकि आपको उस 20 साल बाद मेरे बारे में नहीं तैयारी करनी थी बल्कि आपकी तैयारी आज से जारी है। उसी तरह से जो अलग अलग विधाओं में काम कर रहे लोग हैं, चाहे वो चित्रकला हो, वो नाटक हो, वो नृत्य हो, गायन हो, लेखन हो, वो सिनेमा के अलग अलग विभाग हो, यहाँ तक के पक्षी विज्ञान हो या मनोविज्ञान हो या खेल हो, अगर आपने सब चीजों में दिलचस्पी रखी है तो अगर आपका मेहमान पिछले 40 वर्षों से किसी विधा में प्रैक्टिस कर रहा है तो आपकी भी नजर कम से कम जितनी आपकी उम्र है उसमें अगर 15-17 साल घटा दें तो उतने वर्षों तक आपको सहज रूप से उस व्यक्ति में रुचि लेनी चाहिए थी एक पत्रकार की हैसियत से, कि आपने ऐसा नहीं किया कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, फिर उसके बाद आपने कुछ बहुत समय तक आप यूपीएससी एस्पायरेंट रहे, फिर आपने 3 अटेम्प्ट किए और उसके बाद आप फेल हो गए, अब आप फिर पत्रकारिता में आ गए, यानी अब आपका जन्म हुआ पत्रकारिता में, यानी आपने अपने जीवन के ये 22-25 साल तो फालतू में गंवा दिए अगर ऐसे कहा जाए, तो फिर अब आपने पेशा बदल लिया, तो जाहिर है कि अब आपकी यात्रा उस 25 वर्ष के 22 वर्ष के बाद शुरू होगी और आपकी जिज्ञासा की खिड़कियां भी उसके बाद खुलना शुरू होंगी। तो मेरे केस में
मैंने सहज रूप से इन सब विधाओं में चूंकि दिलचस्पी ली, और एक तरफ वो यात्राएं चल रही थी जो मेरे मेहमान की हैं, और दूसरी तरफ मेरी यात्रा भी तो चल रही थी। तो इस तरह कोई आप एक अपनी कनखियों से उस यात्रा को देखते रहते हैं, और इस तरह उसमें गहरी रुचि लेने के कारण आपके कहीं बैक ऑफ द माइंड वो सूचनाएं और वो बैकग्राउंडर तैयार हो रहा होता है। एक तो वो बात है, दूसरी बात यह है कि एक प्रोफेशनल के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दर्शक का या जो भी पत्रकारिता में जो आपका कंज्यूमर है, प्रिंट के केस में आपका पाठक या रेडियो के केस में आपका श्रोता या टेलीविजन न्यू मीडिया के केस में आपका दर्शक और श्रोता, उसकी इंटेलेक्ट का हमेशा सम्मान करना चाहिए कि अगर उसने आप पर भरोसा किया है, वो इसलिए आपके सामने बैठा है कि आप पर वो भरोसा करता है कि हमारी तरफ से ये जो आदमी सवाल पूछेगा जिसका नाम इरफान है, वो एक मिनिमम लेवल ऑफ ग्रेस को बरकरार रखेगा और अपने मेहमान के चरणों में झुक झुक नहीं जाएगा, लोट लोट नहीं जाएगा, उसका ओ मोमेंट खत्म ही नहीं होने को आ रहा, ऐसा नहीं। बल्कि ये एक मेरी एज अ प्रोफेशनल मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जिस काम के लिए मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी मुलाकात मिसाल के तौर पर फोटोग्राफर रघु राय से मिलवाऊंगा, तो मेरा काम है कि उसको मैं सबसे ऊपर रखूं। अगर रघु राय की कोई बेटा या बेटी मेरे साथ कभी सहपाठी रहा हो तो उसका जिक्र मैं बस पासिंगली कर दूं तो कर दूं, अगर वो भी संदर्भ आने पर। लेकिन अगर मैं इंटरव्यू के 15 मिनट तक ये बताता रहूं कि मैं आपका इसलिए आपको इस केस शो में लाया हूं क्योंकि आपका जो बेटा था या पोता था वो मेरे साथ पढ़ता था और हम लोग एक साथ फुटबॉल खेलते थे और वो भी क्या दिन थे, और फिर जब आप वो ट्राउजर पहन के निकलते थे तो आप कितने सुंदर लगते थे। हमारे दर्शक की दिलचस्पी इसमें नहीं होती या किसी भी दर्शक की इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि इरफान की रघु राय के साथ निजी संबंध और रिश्ते क्या है, उन्होंने उनको क्या चाय पिलाई और उन्होंने उनको क्या खाना खिलाया और कहाँ कनॉट प्लेस में दोनों साथ घूमते रहे, इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो बात अगर संदर्भ के रूप में कहीं आई तो बस एक छू कर चले जाने की चीज है। तो वरुण, मैं आपके छोटे सवाल का लंबा लंबा जवाब देकर आप लोगों को बोर जरूर करूंगा। तान्या भी मुस्कुरा रही है इधर, और इधर हर्ष भी कुछ डांटने के मूड में बैठा। नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि हम कम से कम बोले और ज्यादा से ज्यादा सुने, क्योंकि ज्ञान का और अनुभव का भंडार हमारे सामने बैठा है, हम जितना उसमें से हासिल कर पाए ये हमारी उपलब्धियों में से एक होगा। और कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको कम से कम बोर करें बेवकूफी भरे प्रश्न न पूछकर। नहीं नहीं, आप लोग हाँ ठीक है, ठीक आज आगे बढ़ा जाए। जी सर, मेरे पास तो सर खैर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं खुद ही ना पूछता रहूं, इसीलिए मैं अब को बोलूंगा कि हर्ष के जो सवाल है पहले वो आपसे पूछे, मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा। हर्ष, ओवर टू यू। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे काफी खुशी हुई आपको यहाँ पर देख के, और आपके साथ सवाल जवाब करने मिल रहा है। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो गुफ्तगू के चलते या उससे पहले भी 400 से ज्यादा जो साक्षात्कार लिए, उसमें क्या कोई ऐसा सवाल रहा जिसका आपको जवाब आज तक नहीं मिल सका? हाँ, एक सवाल जो देखेंगे आप, अक्सर मैं पूछता हूँ अपने मेहमानों से, ऐसे मेहमानों से जो उस विधा में ड्वेल कर रहे हैं, कि लोगों की रुचियां बनती कैसे हैं। मुझे इस सवाल का जवाब अभी भी चाहिए कि आप उम्र के कहीं मतलब 6 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक आपकी एक खास तरह की रुचि होती है, फिर सडनली आप 15-17 साल की उम्र तक होते होते आप अपनी उन रुचियों को बिल्कुल भूल जाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन एक नई तरह की सेट ऑफ इंटरेस्ट आपके डेवलप हो जाते हैं। फिर आप एक दिन कहने लगते हैं कि यही तो सब लोग सुनते हैं, या यही तो सब लोग खाते हैं, या यही तो सब लोग पहनते हैं, तो ये तो बहुत हैप चीज है, ये बहुत हैपनिंग है, ये इन थिंग है, ऐसा कह ये रुचियां कैसे बनती होंगी लोगों की, इसमें मेरी अभी मतलब मुझे जिज्ञासा है, और ये सवाल का जवाब आपको अगर मालूम है हर्ष तो बताइए।
जी नहीं सर, इसका जवाब मुझे नहीं मालूम है, और मैं भी कहीं ना कहीं इन तरीके के सवालों के जवाबों की खोज में लगा रहता हूँ, जो ये थोड़े से अटपटे सवाल होते हैं जिनके सीधे सवाल जवाब तो नहीं मिलते हैं। जी जी सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि इतने लंबे समय तक एक तरीके का काम करना, हालांकि उसमें नए नए एडवेंचर हैं अपनी जगह पर, कि नए लोगों से मिलना, नए तरीके की दुनिया जानना, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये काम छोड़ देना चाहिए? वैसे अगर देखें तो लंबा जो आप जब कहते हैं तो वो तुलनात्मक रूप से लंबा कोई भी चीज होती है, माने अच्छा या बुरा वो किसी के कंपैरिजन में ही होती है। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन देख लें और उससे ऊपर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी देख लें, आप जो इस पृथ्वी की अगर उत्पत्ति से व्यक्ति की यात्रा और आज तक का सफर देख लें, तो उसमें कहीं हम एक बहुत छोटे कण भर का ही तो अभी प्रयास कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई बहुत लंबी यात्रा है, मतलब मुझे तो दिन के जो 24 घंटे हैं वो भी कम लगते हैं इन जिज्ञासाओं को हल करने के लिए, बातों को एक्सप्लोर करने में। वो बहुत, मतलब आप तो कह रहे हैं लंबी, वो मेरे लिए एक अथक ढंग से किया जाने वाला मैं काम नहीं कहूंगा, वो तो मेरे लिए एक मजे की चीज है। बहुत से लोग काम कुछ और करते हैं, मजा और किसी और चीज में लेते हैं, मेरे लिए इसी में आनंद है, यही मेरा काम है, इसी से मेरे घर चलता है, इसी से मुझे सुख मिलता है, इसी से मुझे समय के इस्तेमाल का एक, जिसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम, वो मुझे मिलता है। तो आपका जो ये सवाल है कि कभी ये लगा कि छोड़ दिया जाए, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरा चुनाव है कि इस काम को करने में मुझे सुख मिलता है और अर्थ भी मिलता है। दो अर्थ का, जीवन की मीनिंग जिसे कहते हैं, एक किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या किसी प्रैक्टिस का, एक हर रोज एक नया, एक नई कहानी, एक नया द्वंद, एक नई दुविधा, एक नई सफलता मेरे सामने बहुत औचक ढंग से, अप्रत्याशित ढंग से सामने आती है। तो अपनी उसकी चुनौतियां हैं जिसका अपना सुख है, उसके अपने आश्चर्य हैं जिसका अगेन सुख है। तो वो मतलब इसको मैं कोई आदर्शीकृत नहीं कर रहा हूं कि, या मैं कोई अपने लिए सेल्फ प्रेज नहीं, बल्कि मुझे सचमुच में इसमें मजा आता है कि अलग अलग लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाऊं और उनको खुद भी सुनते हुए उनसे सीखूं। अर्श जी, सर मैं आपके सवाल से बहुत खुश हुआ ये जानकर कि मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, हालांकि मैं खुद भी उनमें शामिल नहीं हूँ, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कितने संतुष्ट हैं और इतने कितने खुश हैं। तो ये मुझे जानकर काफी खुशी हुई कि आपका व्यवसाय और आपकी रुचि एक है और आप उससे काफी संतुष्ट हैं। जी सर मेरा एक सवाल है कि आप पत्रकारिता की लाइन में काफी समय से काम कर रहे हैं, तो पत्रकारिता के कई स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो हम देखते हैं पत्रकारों में, तो किन क्या कोई स्टीरियोटाइप्स है जिनका आप खंडन करते हैं, और क्या कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स है जिनसे आप खुद को बंधा हुआ पाते हैं? हाँ, देखिएगा कि अगर पत्रकारिता के पेशे की जो मूल्यगत स्थिति है अगर उस पर नजर डालें, तो अभी फिलहाल जो अधिकांश जो उसका भाग है पत्रकारिता का, वो व्यवसाय से ही निर्धारित निर्देशित हो रहा है। ये मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस पत्रकारिता के एक महान इतिहास की तरफ हम जब देखते हैं कि अगर सिर्फ राष्ट्रीय जो आंदोलन है स्वाधीनता का आंदोलन, अगर उसको ही हम उसमें होने वाली सबसे ज्यादा हलचलों पर नजर डालें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हलचलों भरा समय है अभी हाल के वर्षों के इतिहास का, जिसके जो हम तक लिखित रूप में इतिहास के शक्ल में पहुंचता है। तो आप देखेंगे कि स्वाधीनता के आंदोलन में जितनी तरह की पत्र और पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती रहीं, उनमें गांधी जी के अपने
उनके द्वारा प्रकाशित वो हों, पत्र पत्रिकाएं हों या जो दूसरी क्रांतिकारी धाराओं के लोग हों, उनके द्वारा विचार उत्तेजक लेख, लोगों को एक उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करना, उनके अंदर मुक्ति की आकांक्षा को सतह पर लाना, उनके जीवन के जो संघर्ष और द्वंद हैं उनको कलमबंद करना, ये सब किया जो जा रहा था वो तो एक हमारे पूरे राष्ट्रीय चेतना का अंग था। अगर आप देख लें तो उस पूरे समय में, मतलब स्वाधीनता मिलने तक के समय में, मतलब आंदोलन एक तरफ चल रहे हैं और उसी के समानांतर ये जो पत्रकारिता के माध्यम से जो जागरूकता का, चेतना के विस्तार का, आत्मगौरव का एक वो एक समानांतर एक धारा लगातार चलती रही। तो उसके अंदर एक मूल्य हमेशा रहा कि वो शोषक के विरुद्ध खड़ा होगा और जो व्यापक जनता, जो शोषित है, उसके पक्ष में खड़ा होगा। अब जब ये साफ साफ इसका जो मूल्यगत आधार है, इससे जब आप विमुख होंगे, जो कि होने लग गए, मतलब धीरे धीरे करके पत्रकारिता को अब जो शक्तिशाली, जो शक्ति समूह हैं, उनकी सेवा में जैसे जाने अनजाने जिस तरह से लगा दिया गया, जो अभी तो आपके लिए वो बहुत दिखाई देने वाली चीज है, आप अभी इस समय तो आप देख सकते हैं, अब उसमें कोई ढकाव छुपाव नहीं है। पहले पेड न्यूज वगैरह की बातें हुआ करती थी, हम लोग तो बड़ी आसानी से सुन लेते हैं कि फलाने चंद्रा स्वामी थे, उन्होंने फलाने पत्रकार को एक हीरे की अंगूठी दी। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा होती है कि फलाने चंद्रा स्वामी ने फलाने पत्रकार को हीरे की अंगूठी क्यों दी होगी, या फलाने जो है वो फला नेता के साथ फलाने हवाई जहाज से वो यात्रा कर रहे थे और वो फला जो थे वो ताज होटल में वो कर, माने इस तरह से आप जो शक्ति के केंद्र और जो लोगों की बदहाली के जो कारक हैं उनके पक्ष में जब आप पत्रकारिता उसकी सेवा करने लग जाती है तो वहां वो अपने मूल धर्म से विमुख हो जाती है। यही मेरा मतलब, इस पर मैं अभी और अगले एक घंटे तक बोल सकता हूं, लेकिन इसका मूल जो मैंने आपको अपनी राय के रूप में रखा वो ये कि पत्रकारिता अभी अपना जो वास्तविक और जो मौलिक संकल्प है उससे विमुख हो चुकी है और अधिकांश बार वो शक्ति समूहों की सेवा में लगी हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो वैकल्पिक पत्रकारिता के केंद्र कोई कमजोर हो गए हैं, वो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और शायद इसी वजह से एक आशा हमारे सामने रहती है कि हाँ, जिन लोगों को जिनकी खुशियों के बल पर, जिनके सपनों को छीन कर शक्ति समूह जिनकी जमीनें और जिनके जंगल और जिनके पानी और जिनके अधिकार छीन कर शक्ति समूह विकसित होते हैं, उनके विरुद्ध एक पत्रकारिता अभी भी सक्रिय है, उसी में कोई थोड़ी सी आशा दिखाई देती है। तो सर, मेरा एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि जितनी भी इल एक्टिविटीज, इवल एक्टिविटीज जो भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ हो रही है पत्रकारिता के जगत में, जिसका आपने थोड़ा सा भी वर्णन किया अभी, तो उससे आप अपने आप पर या अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर क्या कुछ इम्पैक्ट पाते हैं, तो उससे हाँ, कैसे डील करते हैं? हाँ, वो तो देखिए पड़ेगा ही कि मतलब आप इसी समाज का हिस्सा हैं और आप अपने समकालीन, अपने हम पेशा लोगों के बीच में रहते हैं, तो असर सबसे ज्यादा तो इस रूप में ही पड़ता है कि आपके ऊपर लगातार ये दबाव होता है कि आप चाहे वो फुटफॉल के नंबर ऑफ व्यूज की जो रेस है उसमें, टीआरपी जिसे बोला जाता है उसमें, उस पैमानों पर जब आपके किसी काम को या आपके कर्तव्य परायणता का पैमाना ये हो कि आपके किए हुए काम से कितने विज्ञापन आए या कितना आपके संगठन को कितना लाभ हुआ या जो संस्थान है वो कितना आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से समृद्ध हुआ, जब वो पैमाना बन जाता है तो कौन सी चीज छूटती है? वो जरूरी चीज जिसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं आप उठ रहे थे, यानी आप उन लोगों की आवाजें वहां पहुंचाना चाहते थे और उनकी आवाज बनना चाहते थे जिनके पास आवाज नहीं थी। और जब आपको ये कहा जाता है कि मतलब रूरल रिपोर्टिंग का कोई दर्शक नहीं होगा,
माने गांव को दिखाने से टेलीविजन में वो ग्लॉस खत्म हो जाता है, पॉजिटिविटी दिखाइए। जब ये बातें मुझसे तो खैर नहीं कही जाती, लेकिन फिर भी अगर आप टॉक शोज की बात करें तो टॉक शोज में प्रिडोमिनेंटली ये माना जाता है कि इंटरव्यू उसका होगा जो चमकता हुआ सितारा है, ऐसा माना जाता है। हमने कम से कम राज्यसभा टीवी जो कि एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, वहां पर रहते हुए हमने संसद और लोकतंत्र की परंपरा को निभाते हुए इतना कम से कम हम वहां कर पाए कि हम सेलिब्रिटी की जो स्थापित परिभाषा थी उसको हमने तोड़ा। मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में या लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में या फिर गूगल पर सर्च करने से आता हो, यही क्राइटेरिया नहीं होगा, या आपको नेशनल अवार्ड मिला हो, आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो, व्हाटएवर जो मान्यता के जो पैमाने हैं उसको हमने तोड़ा और हम ऐसे लोगों को भी लाने में कामयाब हो पाए जो कि आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा, जिनके बारे में कभी ना तो उनके जीवन काल में कभी कोई इंटरव्यू हुआ और ना मेरे करने के बाद आज तक इंटरव्यू हुआ, लेकिन वो उनके जीवन की यात्राएं इतनी समृद्धकारी हैं कि आप आज भी उन लोगों के जीवन से सीख सकते हैं। बेशक वो उस तरह सेलिब्रिटी की कैटेगरी में नहीं आते, एक बात। दूसरी बात, जो सेलिब्रिटी की कैटेगरी में भी आते हैं उनके साथ टॉक शोज क्या करते हैं, उनको पहले तो फेटिशाइज करते हैं। फेटिशाइज करते का मतलब मैं थोड़ा उसको आपको समझाना चाहता हूं कि पहले आपको मीडिया जो है एक आइकन के रूप में पहले खड़ा करता है। अगर आप उदाहरण से ही समझना चाहें तो खासतौर पर ये जो विश्व सुंदरियों की प्रतियोगिताएं होती हैं उससे आप समझ सकते हैं कि जिसमें जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं कि पहले आपको एक ब्यूटी आइकन खड़ा किया जाएगा, फिर उस ब्यूटी आइकन के जरिए कॉस्मेटिक्स बेचा जाएगा या ब्यूटी के कुछ स्टैंडर्ड्स आपके मन में स्थापित किए जाएंगे, स्किन का कलर, बालों का कलर और हाइट और फिजिक, मतलब जो बॉडी शेप वगैरह, वो सारे चीजें आपको एक खास तरह के कंज्यूमर अपना जो फ्रेमवर्क है उसमें आपको समझा, आपको बताया जाता है कि अच्छा क्या है, सुंदर माने क्या, सुंदर माने कितना लंबा, सुंदर माने कितनी चौड़ी कमर, कितना सीना, कितनी स्किन, कितनी लंबाई, क्या खाती हैं, क्या पीती, इस तरह से आपको एक तरह से फिटिशाइज किया जाता है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि इस तरह के सेलिब्रिटीज से उनके जीवन के जो वास्तविक पक्ष हैं उस पर कोई बात की जाती हो। हमने इसी को शुरू कर यही वजह है कि आप भी आज हमसे जो बात कर रहे हैं तो शायद आप उसमें ये पाते हैं कि आप मेरी ही तरह का तो ये आदमी था जिसके साथ इरफान जी मेरी मुलाकात करा रहे हैं। अरे जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कितना बड़ा एक आत्मबल, आपको एक संबल मिलता है कि आप सेलिब्रिटी की महिमा और उसकी ख्याति से आतंकित नहीं होते बल्कि आप उससे कुछ सीखते हैं, आप उसके जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। जैसे कि आप कोई किताब में किसी की कहानी पढ़कर सीखते हैं, अपने दादा से उनकी पहली हवाई यात्रा के अनुभव सुनकर सीखते हैं, अपनी अपनी दादी से उन कहानियों को सुनकर सीखते हैं कि किस तरह से महिलाओं ने समाज में अपनी जगह बनाई या आज भी उनको वंचित रखा जाता। ये सारी जो स्मृतियां और कहानियां हैं वो आपको, अब अगर हम आपको सिर्फ ये बताएं कि हम गुच्ची का जो है वो ये चश्मा लगाते हैं या इत्र लगाते हैं या व्हाटएवर बैग लेके चलते हैं या ब्रांडिंग, माने सेलिब्रिटी माने वो कौन सा कपड़ा पहनता है, वो कौन सा कॉस्मेटिक्स यूज करता है, कौन सी गाड़ी में चलता है, कितने बड़े घर में रहता है, इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है। हाँ मिलता है, हम इसको कम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना चलिए जिनकी जानकारी का वो जिज्ञासा का क्षेत्र है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी ये बताए कि हमको फला नाटक देखने के बाद, जो कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के बारे में जो सबसे ज्यादा बात कि वो श्रवण कुमार की कहानी पढ़ने के बाद उनके जीवन में बहुत भारी बदलाव आया था, तो अगर हम गांधी जी के जीवन के इस प्रसंग को छोड़ दें तो हम कलाओं का,
साहित्य का, संगीत का जो असर मानव इंसान पर पड़ता है, हम उसकी भूमिका को एक तरह से नजरअंदाज करेंगे। तो अभी क्या है, अगर आप ये समझ लीजिए, जो पूरी कम्युनिकेशन का जो कारोबार है वो आपको एक तरह से अक्षम बनाने के काम में लगा हुआ है। मतलब एक आपको अपदस्थ करने, आपको निहत्था करने, आपको मूर्ख बनाने के काम में ये पूरा तंत्र लगा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसका एक छोटा सा मोर्चा मैंने गुफ्तगू के जरिए खोला हुआ है कि इंसान को पूजा मत करो, बल्कि उसके साथ, मतलब उसको भगवान, छोटा भगवान बड़ा भगवान सिर्फ मत बनाओ, उसकी भी परीक्षा की जा सकती है, उससे भी सीखा जा सकता है, उसने भी गिर गिर कर उठना सीखा है। ये बात हम करने की छोटी सी कोशिश इस मंच के जरिए करते हैं। सर, आपके इंटरव्यूज में एक शब्द मैंने, एक बहुत ही आपने उपयोग किया है कई जगह पर, चीयर लीडरी। तो उससे मुझे याद आता है किसका, शरद जोशी के कई व्यंग याद आते हैं। उनमें से एक व्यंग था जिसपे भुट्टा सेकर करके इस तरीके के शब्द यूज किए गए हैं, मटर छीलर। तो मुझे अचानक से वो याद आया, आपके वो चीयर लीडरी। जी जी सर, मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस सीरीज को ला पाए और जनता से जुड़ पाए, तो अगर ये गुफ्तगू जो सीरीज चालू हुई थी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म की जगह किसी प्राइवेट पर चालू हुई होती, किसी निजी पटल पर चालू हुई होती, तो क्या कुछ नया या क्या कुछ अलग देखने मिलता, क्या बदलाव आते? बदलाव देखिए, अगर हो सकती होती तो मेरा ख्याल है कि हो चुकी होती, तभी हो चुकी होती, क्योंकि उसकी जरूरत तो समाज में थी। लेकिन किसको जरूरत नहीं थी, वो ये जो आपको जो कॉरपोरेट टेलीविजन है उसको इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी जो उसका जो उसका मिशन जो उसका और जो विजन है कम्युनिकेशन का, उसमें वो फिट नहीं बैठती। उदाहरण के लिए राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन के साथ एक आदमी डुग्गी बजाता है या तबला बजाता है, उसमें किसी की क्या दिलचस्पी होगी? वो तो एक एक बड़ी टीम का 12 15 22 लोगों में से कोई एक अनजान आदमी है, साइकिल से अपना ढोलक लेके आता है, बजा के चला जाता है। तो ये जो अप्रोच है कि आप हर चीज के लिए उसके किसी एक केंद्रक को श्रेय दें और उसके साथ जो अंग उपांग के लोग हैं उनको ना दें, ये भी तो एक हिंसक रवैया है। मसलन कि अगर हम आपके घर में आकर कहें कि घर बहुत सुंदर है और साफ सुथरा है, और आप अपनी पत्नी को, बच्चों को या घर में आने वाली कामवाली को ये श्रेय ना शेयर करें, तो इसका मतलब है कि आपने ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ अपने लिए ले लिया, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब वो मंच पर खड़े होकर जो भी उनके लिए प्रशंसाएं और जो उनको उपलब्धियों के तमगे दिए जा रहे हैं उसमें वो उन सारे लोगों को भूल जाते हैं। तो उसी तरह से अगर सिर्फ आरडी बर्मन के बारे में आप बात करेंगे और उनके म्यूजिशियंस के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके अरेंजर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके जो और टीम के लोग हैं उनके बारे में बात, जो कि कॉरपोरेट में या मतलब ये जो जिसके मिशन की बात हम कर रहे हैं, जिस विजन की बात जो कॉरपोरेट को सुहाता नहीं है कि आप ऐसे लेसर नोन अननोन लोगों के बारे में, क्योंकि उनके उनके दिमाग में प्रेडोमिनेंटली ये है कि अचीवर वो है जो सामने दिख रहा है, और उसके साथ जो इतने सारे जो नींव के पत्थर और जिसे कहते हैं कि उसके पीछे चलने वाली जो पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उसका आधार है, उसके बिना वो संगीत नहीं बन सकता था। अगर आप देखेंगे तो अगर 7 या 8 या 10 या कई बार 22 इंस्ट्रूमेंट्स अगर बज रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कोई मशीन से नहीं आ रहे हैं एक जमाने में, अभी तो आते हैं लेकिन एक जमाने तक तो वो एकॉस्टिक्स में से ही होता था। उसमें वो म्यूजिशियन वहां होता था, जो गिटार बजाता था वो वहां स्टूडियो में होता था, या जो डफली बजाता था वो वहां स्टूडियो में होता था, फ्लूट बजाता था होता, तो उसके बारे में आपको क्यों नहीं बताया जाए? तो चूंकि जनता के टैक्स के पैसे से
राज्यसभा टीवी जो कि संसद का टीवी था वो चलता था, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि जो देश के 125-30 करोड़ लोग हैं वो सब उन्हीं के परिवारों के तो लोग हैं, मतलब कोई ना कोई तो उनका बेटा पोता ये देखकर खुश होगा कि मेरे दादा की इस कॉन्ट्रीब्यूशन को किसी ने तो अंडरलाइन किया। तो यही तो कर रहे हैं, मतलब हम उस नाते यही करना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। मतलब मुझे बड़ा अभी पिछले दिनों ऐसे ही किसी ने कहा और मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है कि इंसान अगर चाहे तो छोटा से छोटा काम भी कर सकता है। क्या बात, ये तो कहा जाता है कि इंसान अगर चाहे तो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, इंसान अगर चाहे तो छोटा से छोटा भी तो काम कर सकता है। तो ये जो भाषा में एक जो परायापन है, हमेशा कहा जाता है कि वो जब बाबूजी जब थके हारे घर लौटे, भाई क्यों थके के साथ हारे क्यों, थका आदमी हमेशा हारा ही क्यों होगा, ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि बाबूजी जब थके जीते लौटे, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता। तो भाषा में ही अगर आप देखेंगे वो एक जिसको हम परंपरा से अनजानेपन से हम जिसका व्यवहार करते हैं, और ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हमारे इर्द गिर्द हैं जिसके प्रति बहुत अचेत ढंग से उस व्यवहार को अपने जीवन में अपना लेते हैं, और ऐसे अनेक अनेक मुहावरे और जो महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, जेंडर के प्रति एक एक हिंसक दृष्टिकोण हमारा दिखाते हैं। इन सब चीजों को लेकर थोड़ा थोड़ा भी अगर एक थोड़ा जैसे कहते हैं कि सेंसिटाइज करना, तो अगर वो होता है तो अच्छा होगा, मतलब हम सब लोगों को ये काम करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक आपने जो उदाहरण दिया शब्दों का कि हम बहुत लंबे समय से वो मुहावरे वो शब्द यूज करते आ रहे हैं तो वो हमारी आदत में आ गए हैं, कई बार हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता, पर सबकॉन्शियसली somehow से इम्पैक्ट तो पड़ता ही है सुनने वाले पर, बोलने वाले पर भी। सर एक सवाल मेरा ये है कि प्रोबेबिलिटी के अनुसार जब हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब इवेंट्स होते हैं तो उसका हम मेन पॉइंट निकाल पाते हैं, और छोटे कुछ कुछ नंबर इवेंट्स हैं तो कई बार मुश्किलें होती हैं उसको जर्नलाइज करना। तो आपने जो इतने सारे इंटरव्यूज लिए उसमें एक कॉमन थ्रेड आप क्या पाते हैं, कॉमन चीज क्या पाते हैं हर एक इंटरव्यू में हर एक व्यक्ति में? कॉमन चीज तो यही पाते हैं कि लोगों में करने का मतलब किसी काम को करने का जो की जो इच्छा और भावना और इरादा जो था वो अगर उसकी राह में अनेक रुकावटें ना होती और यानी उनको फैसिलिटेशन की जगह होती तो वो कहीं ज्यादा अपने और काम को ठीक ढंग से कर सकते थे। उदाहरण के लिए अगर एक फंडामेंटल साइंटिस्ट अगर अपने रिसर्च में लगा है और उसके रिसर्च में आने वाली जो अड़चने हैं वो चाहे नीतिगत स्तर पर हों या उसको मिलने वाली फैसिलिटीज हों, उसको यात्राएं, उसको किताबें, उसको रिसर्च पेपर्स या जो भी उसके उस फंडामेंटल रिसर्च को करने में जो चीजें चाहिए वो उसके काम को उस परिणाम को जो चीज 15 साल जिस काम को लगे हो सकता है वो काम 10 साल में या 5 साल में सामने आता, और इस तरह वो जो मानवता की सेवा करने के लिए जो उसने इरादा किया था वो कर पाता। इसीलिए आप देखिएगा एक लंबे समय तक या आज भी जिसको क्लिशे में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है वो उसी का मतलब जब प्रतिभा को भारत में विकसित होने के जो कंड्यूसिव वातावरण जब नहीं मिलते तो यही तो कहानियां ज्यादातर केसेस में सुनने को आती हैं, क्योंकि वो सभी लोग मतलब क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो वो उनका जो अर्बन इंटरफेस बहुत देर से खुलता है, जब वो शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं संयोगों से उनकी मुलाकात ऐसे अध्यापकों से हो जाती है या ऐसी पुस्तकालयों से हो जाती है तब तो उनका जीवन थोड़ा पटरी पर चल निकलता है, वरना उस चाहे वो ज्ञान अर्जित करना हो, सूचना अर्जित करना हो, एक्सेसिबिलिटी, लोगों से मिलना, उस राह में कितने कितने रोड़े हैं और लोग अपनी ढंग से उन रोड़ों को
उन अड़चनों को हटाते हुए उसमें कितनी एनर्जी उनकी जाती है। और जिस बात को मैंने अभी कहा, मतलब विज्ञान टेक्नोलॉजी इसके अर्थ में, जो मतलब आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप आईटी में एक्सेल कर रहे हैं आप, लेकिन चाहते हैं कि आपको एक विदेश यात्रा स्पॉन्सर हो जाए, वो नहीं होती है आपको। आपको यहाँ से वहां एम्बेसियों के चक्कर काटते रहिए, मंत्रालयों के चक्कर काटते रहिए, स्पॉन्सर ढूंढते रहिए, बच्चे वहीं पर उनकी प्रतिभा कुचल कर दब कर कहीं खत्म हो जाती है, वो सपने वहीं कहीं चूर हो जाते हैं। प्रतिभाएं आप देखिए, ये सब जब से टैलेंट हंट वगैरह शुरू हुए तब से आपको दिखाई देता है कि अच्छा ये छोटे से गांव से कितना अच्छा नाचता है, कोई इतना अच्छा गाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, कितना अच्छा एक्टर है, ये सब चीजें तो अब जाकर हुई जब लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से हंट के ये जो हंटिंग प्रोग्राम वगैरह शुरू, उसमें भी इतने बड़े देश में हार्डली शायद 10-5% लोग ही अभी भी ढूंढे जा पा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी गुमनामी में है। तो जिस बात को आप कह रहे हैं वो जो मीन निकालने वाली बात, तो मुझे तो यही बात लगती है कि ज्यादातर केसेस में इन सभी लोगों को जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा करना चाहते थे, अगर उनके लिए वातावरण समाज में वो ठीक से होता तो वो और भी अच्छे ढंग से इस काम को कर पाते। फिर उसके बाद आप देखिएगा, मतलब जाति जाति की जो हमारे यहाँ एक भिन्नता और उसका जो हायरार्की है वो भी बहुत सा शिक्षा में आड़े आती है। हमारा जो कॉलोनियल पास्ट है, हमारे स्किन को लेकर, हमारी भाषा को लेकर, भारत में कितनी तरह के खान पान बोली भाषा, अगर आप मतलब सागर में रहते हैं यानी मध्य प्रदेश में आप हैं तो आपकी हिंदी में एक खास तरह का रंग होगा, वो हमारी हर हिंदी भाषी इलाकों में पहचाना जा सकता है कि मतलब ये बुंदेलखंड के हैं, ये सागर के हैं, ये राजस्थान के हिंदी भाषी हैं, ये पंजाब के हिंदी भाषी हैं, बिहार के अलग अलग, मतलब गया वाला आदमी एक अलग तरह की हिंदी बोलेगा, छपरा वाला के अलग टोनेशन होगा। तो आप देखिए भारत विविधताओं का देश है, तो उन विविधताओं के आधार पर प्रतिभाओं को पहचानना और उनको फैसिलिटेट करना, ये तो बहुत ही मैं कहूँगा कि ये काम तो अधूरा है ही उस वजह से। और उस वजह से भी बहुत सारे ये जो जिसे कहते हैं भाई भतीजावाद फिर विकसित हुआ उसमें, जिनके पास अवसर हैं, जो बढ़ावा किसी को दे सकते हैं, वो बजाय डिजर्विंग को बढ़ावा देने के अपने किसी भतीजे को बेटे को रिश्तेदार को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो जो हमारा जो चरित्रगत जो हमारा व्यवहार है वो भी इन सब चीजों के रास्ते में, तो यही सब अनुभव तो सामने आते हैं। मैंने ये तो मैंने कुछ गिना है, कुल मिलाकर ये कि एक जो विकासशील देश में प्रतिभाओं को और अवसर देने का उत्साह जो होना चाहिए और उसमें एक कैरेक्टर में एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो ना होकर ये बहुत बार अनफेयर ढंग से होने से जो अच्छी खासी प्रतिभाएं, मतलब मैं सिर्फ इसलिए डिप्राइव्ड रहूंगा क्योंकि मेरे साथ वाला जो था वो किसी का भतीजा था, हम दोनों एक ही योग्यता के थे, लेकिन भतीजे को इसलिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक कि वो जाति में ऊंचा रहा होगा, दूसरा वो फलाने का भतीजा था, तीसरा उसकी अपब्रिंगिंग शहर में हुई थी, हो सकता है कि मेरी भाषा में हमारे टोनेशन में कोई एक ऐसा तत्व पाया जाता हो जिससे हमारी क्षेत्रीयता सामने आती। ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो प्रतिभाएं जो हैं कुंठित होकर या उनको फ्लरिश करने में जितना समय 5 साल के संघर्ष में लगता, वो 15 साल के संघर्ष के बाद भी, आपको मालूम है कि अभी अगर एक्टरों की बात करें तो कितने कितने लंबे संघर्ष के बाद ये जो एक्टर थे, पंकज त्रिपाठी हों, चाहे वो इरफान खान हों या संजय मिश्रा हो, कितना लंबा समय लगा कि खास तरह की फिल्में जब बनना शुरू हुई, खास तरह की थीम और डायरेक्टर आए, तब जाकर इनकी प्रतिभाओं को वो जगह मिल पाई जिसके लिए इरफान खान जैसे तो असमय उन तक ये तो अवसान ही हो गया। हो सकता है कि उसमें उस संघर्ष की भी कुछ चोटें शामिल हों जो उनके लिए उनके जीवन को छोटा करती रही हों, तो ये चीजें मुझे लगती हैं। सर यूं तो बहुत सारे सवाल हैं लेकिन समय का एक दायरा है, मैं अपना एक आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि अमूमन लोगों ने आपको एक संजीदा ढंग में ही देखा सुना, जो कि आपका फोर्टे भी है, आप जिस तरीके से बोलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा छुपा होता है ये मानते हैं, तो आपके अंदर जो बच्चा है उसकी झलक किस स्वरूप में दिखाई देती है?
आज ही बल्कि बात हो रही थी मेरे साथ, जो दोस्त नाटक वाटक देखने जाते हैं तो कई बार नाटक में अगर कोई दृश्य अच्छा नहीं लगा या कोई ऐसा ऐसी स्थिति मंच पर पैदा हो गई जहां हूटिंग करना है, तो फिर वो हूटिंग करना है। मतलब फिर ये थोड़ी है कि उसमें मैं कोई सेलिब्रिटी हूं और मैं कोई संजीदा हूं। जो चीज़ मेरे मन को अच्छी नहीं लगती वहां मैं शोर भी मचाऊंगा, और वो सब बताने की चीज़ नहीं है। मतलब चूंकि मैं एक खास पेशे की वजह से आपका, आप एक चेहरा मेरा देखते हैं, लेकिन वो तो आप जानते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा गंभीर आदमी हूँ, जिसको भी देखना, गंभीर देखने का नाटक करता हूँ। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया सर। मैं चाहूंगा वरुण भी आगे बढ़ाए सेशन को। जी सर, आपने चुनौतियों, ऋणों और अड़चनों की बात की अभी। पत्रकारिता का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। मैं सिर्फ इस दौर की बात नहीं कर रहा, बीते दौरों में भी अपने तरह की चुनौतियां रही होंगी, आज के समय में अपनी तरह की चुनौतियां हैं, अलग ढंग की चुनौतियां रही होंगी। तो कैसे आप इतनी एक लंबी यात्रा करके आए इन चुनौतियों से बचते हुए? सब शायद समय बदला होगा या मीडियम के हिसाब से वो अलग अलग रही होंगी, रेडियो की अपनी, अखबार की अपनी, टेलीविजन की अपनी, तो कैसे इन सब से आप पार पाते रहे? अभी भी नहीं पाए हैं वरुण जी पार, अभी वो चल रहा है, अभी चल रहा है वो, अभी पार नहीं पाए। बस ये सुख होता है कि कुछ काम करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, इससे सुख मिलता है। नहीं तो हमारे जो हम पेशा लोग हैं उनके फार्म हाउस होते हैं, उनके पास बेंटली और मर्सिडीज गाड़ियाँ होती हैं, तो मुझको तो आप ही अगर कल को मेट्रो में साथ में सफर करते हुए मिल जाए तो आप तो आप पहचानेंगे नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटी लोग तो मेट्रो में कहाँ चलते हैं। तो अब मुझे इसका फायदा मिलता है, बल्कि लोग पूछ भी लेते हैं कि आप वही हैं, तो मैं उनसे ये भी कह देता हूँ कि नहीं नहीं वो मेरे बड़े भाई हैं जो ये करते हैं। तो ये इसका फायदा मुझे मिल सकता है, क्योंकि मैं अभी भी उस को तलाश रहा हूँ, उस जिसकी बात आप करते हैं। जी 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 सर, एक बार बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था पत्रकारिता के क्षेत्र में खबरों का फॉलो कि एक ब्रेकिंग न्यूज होती है तो वो एक डेवलपिंग स्टोरी होती है, उसके बाद उन खबरों को बार बार पत्रकार फॉलो अप करते हैं। आजकल शायद क्या आप ये मानते हैं कि फॉलो अप जैसी चीजें कुछ काम हो गई हैं, बस ब्रेकिंग न्यूज दिखा दी और हो गया, हमारी जिम्मेवारी खत्म न्यूज में खासतौर पर? हाँ वो तो है ही, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी फॉलो अप या पत्रकारिता का जो ट्रेडिशनल उसके मूल्य है, वो जाहिर है कि कुछ संस्थान और अखबार फॉलो जरूर कर रहे होंगे, तभी वो एक आने योग्य काम करने योग्य फील्ड अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि फॉलो अप कोई एक उसकी तरह है, एक प्रैक्टिस की तरह, तो उसकी जरूरत भी कहाँ रहे, किसको पड़ी है कि फॉलो अप की क्या जरूरत है, इसलिए नहीं होता। मतलब रिपोर्टिंग ही कहाँ होती है, अगर आप देखिए तो वो प्रेस रिलीज और इससे होता है, मतलब जो पीआर एक्सरसाइज हो गया ना पत्रकारिता, तो क्या है भी? एक प्रचार है और एक पब्लिसिटी का माध्यम हो गया। संभवतः यही कारण है कि आपने पाठक और दर्शक की जगह पर कंज्यूमर शब्द इस्तेमाल किया था कि न्यूज़पेपर के जो कंज्यूमर्स हैं या मीडिया के जो कंज्यूमर्स हैं। जी सर, मैं कुछ और सवाल आपसे करूंगा, उसके पहले मैं चाहता हूँ तान्या हमारे साथ जुड़ी हैं, यदि उनके कुछ सवाल हो तो वे अभी आपसे पूछें, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। ओवर टू यू तान्या। थैंक यू वरुण भैया एंड थैंक यू डूडलिंग वर्ड्स। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते तान्या। पहले बताइए कि आवाज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ठीक से पहुंच रही है आपको? जी सर, पूरी क्लियर है, मैं ऑडिबल हूँ। जी जी सर, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर इरफान साहब खुद अपने आप से गुफ्तगु करते तो वो कौन से ऐसे अहम सवाल होते जो आप सामने रखना चाहते हैं?
सॉरी सर, नेटवर्क इशुएशन। Is there? Sir, am I audible? जी 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 हाँ सर, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर इरफान साहब खुद से गुफ्तगू करते तो वो ऐसे कौन से अहम सवाल होते जो आप खुद के सामने रखना चाहते हैं? अहम मतलब कोई अलग से नहीं होते, सवाल वही होते हैं। अगर आप देखिएगा कि अगर आप पेपर और पेन पर लेकर बैठ जाएं और मैंने जो सवाल अपने पुराने मेहमानों से किए हैं या आज भी करता हूं, वो मोटा मोटी एक ही होंगे। मतलब उसका पर्पस क्या होगा, ये जानना कि ये व्यक्ति कौन है। अब इस जानने के लिए आप पूछते हैं कि भाई आप पैदा कहाँ हुए, आप लोग कितने भाई बहन हैं, आपके पिता क्या करते थे, ये ऐसे ऐसे करके मैं आपको थोड़ा पहचानने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने से ये भी यही पूछता हूँ जो मैं अपने मेहमान से पूछता हूँ, ताकि मैं अपने आप को एक बार रिविजिट करूँ कि मैं, क्योंकि बहुत बार लोग जहाँ से आते हैं उसको भुलाना चाहते हैं। ये भी एक कंज्यूमरिज्म का एक अंग पक्ष है कि वो कोशिश करते हैं कि वो अपने पास्ट से जल्दी छुटकारा पा लें। इसके बारे में एक ज़माने में ये सब कहानियाँ चला करती थी कि मतलब पिता जो बेटा तो चला गया शहर में जाके उसको एक नौकरी मिल गई, ऑफिस में जाने लगा, व्हाइट कॉलर वो हो गया। फिर पिताजी आए, कहाँ से आए, तो गांव से आए, जाहिर है कि धोती होती पहने हुए थे। तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि कोई बात नहीं, कोई मेरे नौकर है, ये मेरा नौकर। ये कहानी आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी, ये होता था। ये इसी वजह से होता है कि आप जब एक खास उसमें प्रगति के तथाकथित दौर में जब आप आते हैं तो आप अपनी तमाम ऐसी पास्ट की सब चीज़ों को, पुराने दोस्तों को, अपनी बोली जाने वाली भाषा को, अपने गांव के नाम को, अपने परिवार को भुलाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा ऐसा कुछ मतलब ये इसका ही दबाव होता है कि आप अब आप आधुनिक और एक तो अपवर्डली एक मोबाइल आदमी हो गए, इसलिए आप, तो मैं तो यही अपने आप से पूछता और अपने आपको याद दिलाता कि मत भूलो कि तुम वही हो जो कभी बचपन में इन जैकी श्रॉफ को चिट्ठी लिखते थे कि आपको जन्मदिन की बधाई हो और ये हो और वो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर आप एक दिन जैकी श्रॉफ के सामने बैठे हुए होते हैं। तो इन दोनों में कोई मतभेद मतलब वो नहीं है, कोई विरोध नहीं है कि आप, वो भी एक सच्चाई थी और ये भी एक सच्चाई। तो फिल्मी पत्रिकाएं पढ़कर आपको अच्छा लगता था, आप लोगों को जन्मदिन की बधाई भेजा करते थे, आप उनके फोटो काट के अपने स्क्रैप बुक में रखते थे और फिर आज आप उनके सामने बैठते हैं, वो भी आपकी तारीफ करते हैं। ये यहाँ पे जाकर एक साइकिल पूरा ना भी हो तो कम से कम ये भी एक एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बनता है। तो जो आप पूछ रही हैं तान्या कि मैं अपने आप से क्या पूछता, तो मैं वो सारे सवाल पूछता जो मैं अपने मेहमानों को जानने के लिए पूछता हूँ। जी सर, हमारे देश में सवाल उठाना एक काफी क्रांतिकारी कदम माना जाता है और उसी कदम को आपने अपने पेशे की तरह चुना, तो वो क्या चीज थी जो सबसे आपको अलग बनाती है आपके अकॉर्डिंग? मेरा ख्याल है कि जो हमारे प्रेडिसेसर्स जिसको कहा जाता है कि हमारे जो पूर्ववर्ती, हमारे जो पूर्वज या हमसे हमारे अग्रज, जिनको देखकर सुनकर पढ़कर हमने एक पेशे की का जो ग्रेस उपयोगिता, उसका उसकी सार्थकता को जाना, वो वहाँ से हमने लिया ना। तो सवाल उठाना आज भले एक कोई चीज़ हो गई हो, मतलब एक बुरी चीज़ मानी जाती हो और शायद नहीं मानी जाती, सवाल उठाने वाला खुद ही एक सेल्फ सेंसरिंग अपने ऊपर करके अनेक दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इससे मेरा भविष्य क्या होगा, मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी या फिजिकल थ्रेट, ये सब को खुद ही एक तरह से फोरसी करते, एज्यूम करते हुए वो अपने पेशे का कि इस मूलभूत कर्तव्य से पीछे हट जाता है। ये तो उसी तरह हुआ कि अगर आपने किसी गड्ढा खोदने वाले
ने आपसे कहा कि हम अपने फावड़े से जमीन को इसलिए नहीं उसको करेंगे कि उसको चोट लगती है, ये ऐसा ये तर्क देने से तो होगा नहीं, वो उसका धर्म है, मतलब उसको मिट्टी को खोदना ही पड़ेगा तब जाकर उसका काम पूरा होगा, पत्रकार को सवाल पूछना ही होगा तब जाकर उसका काम पूरा होगा, ये उसकी मौलिक जिम्मेदारी है इस पेशे की, मतलब एक सर्जन ऑपरेशन नहीं करेगा तो वो मरीज को ठीक नहीं कर सकता। इसी तरह से मतलब इसमें इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं कि सवाल पूछना कल भी खतरे से खाली नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा, और एक पेशा आप जब आपने चुना है तो उस पेशे की के जोखिम को तो आपको उठाना ही पड़ेगा। ये जरूर बात है कि मैं कोई ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ अपने कार्यक्रम में जो राजनीतिक रूप से किसी को असहज बनाते हों, मतलब वो जो डे टू डे की जो वो होती है पॉलिटिक्स, कांग्रेस बीजेपी एनडीए और डीएमके, वो उस पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूँ, मेरा फोर्टे नहीं है। हाँ, मेरा फोर्टे ये जरूर है कि मैं आपसे इतने कड़े सवाल तो पूछूं ही जो शायद आपने भी खुद से नहीं पूछे होंगे, और कई बार होता है कि जिससे पूछ देता हूँ वो सोचता है कि हाँ ऐसे तो मैंने नहीं सोचा था। उदाहरण के लिए अगर आप गायक अनवर का इंटरव्यू देखें तो उसमें ये ऐसा एक पल आता है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा, अनवर एक गायक हुए हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जैसी आवाज़ में गाते थे, उनके उस इंटरव्यू में उन्होंने ये खुद भी माना और मैं भी जानता हूँ कि इस बारे में उन्होंने इस तरह नहीं सोचा था। तो कड़े सवाल हाँ उस अर्थ में तो ज़रूर होते हैं, और फिर क्या वो कड़े सवाल मेरे नहीं हैं असल में, सिर्फ मेरे, वो आपके भी हैं। तो मेरे सामने चॉइस है कि सवालों का चुनाव करते हुए मैं आप वाले सवाल को ना पूछूं, ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे सामने हमेशा कोई, मैंने आपका कोई कर्जा नहीं खाया हुआ कि मतलब आपके मन में जो सवाल है वो मैं पूछूं ही। बहुत सारे एंकर हैं जो नहीं पूछते, वो अपने चाचा ताऊ ये सब की बात करके कि फिर हमने कुल्फी जब खाई थी वहां सिविल लाइन्स में तो कितना मजा आया था, इसमें वो टाइम गुजार देते हैं, या फिर उनका जो एक एजेंडा है जिस वजह से उन्होंने उनको बुलाया, जिस वजह से उनकी पीआर कंपनी उनको पैसा दे रही है, तो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे। आपने एक चश्मा मान लीजिए रेबैन का लगाया तो आधे घंटे हम लोग रेबैन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि रेबैन उसमें मतलब आपका वो है सपोर्टर और फाइनेंसर है, तो रेबैन के बारे में क्यों नहीं, हम तो दो तीन घंटे रेबैन के बारे में बात कर सकते हैं, वो तो आधे घंटे का शो करते हैं। तो सवाल के बारे में आपका तान्या ये जवाब था। सर अभी तक के इतने सारे इंटरव्यूज में कभी आपको किसी का स्टोरी सुनकर ऐसा लगा है कि हाँ ये तो मेरी कहानी से काफी मिलता जुलता सा है? किसी एक का नहीं, बल्कि कई कहानियों में थोड़े 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 वो मिलते हैं, कई कहानियों में, मतलब किसी में एक चीज मिलेगी, किसी में दूसरी चीज मिलेगी, और जब मिल जाती है तो वो एक इस तरह का छोटा सा कन्फ्रंटेशन भी होता है। उस केस में जो नहीं जानते दर्शक वो ये समझते हैं कि मैं अपने मेहमान को डाउन प्ले कर रहा हूँ, उनको छोटा समझ रहा हूँ, कहीं उनको छोटी नीची नजर से बात कर रहा हूँ, जबकि वो स्थिति नहीं है, वो स्थिति वही है कि मेरी किसी कहानी का अंश मुझे उनमें जब दिखता है तो वो लड़ाई मेरी अपने आप से हो रही होती है, दर्शक ये समझता है कि मैं अपने मेहमान को थोड़ा नीचा, जबकि उसको कभी ये परेशानी नहीं है। मतलब अगर उदाहरण के लिए अगर आप बीरबल का देखें या प्राण का देखें या सागर सरहदी का इंटरव्यू देखें या अशोक मिश्रा का इंटरव्यू देखें, इन सब में छोटी छोटी मेरी कहानियां भी हैं जो जहां मैं जब लड़ रहा हूं तो वो मैं अपने आप से लड़ रहा हूं, ना कि उनसे लड़ रहा हूं। जी सर, थैंक यू सर, मैं वरुण भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन आप आगे कंटिन्यू करें। सर एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो भी किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग होते हैं, किसी भी तरह के क्रिएटिव, उससे उनने कभी ना कभी क्रिएटिव ब्लॉक जैसी चीज जरूर महसूस की होती है, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि कब कभी ऐसा हुआ कि आपको भी उस क्रिएटिव ब्लॉक से जूझना पड़ा हो, और यदि आप जूझे तो किस तरह से उससे आप उबर पाए,
या क्या आप संदेश देंगे नए लोगों को कि वो ऐसे क्रिएटिव ब्लॉकेज से कैसे निकलें? देखिए, क्रिएटिव ब्लॉक टाइप की ये जो फ्रेजियोलॉजी है वो हमारी नहीं है, हमारी मतलब आपकी भी नहीं है, ये सब आपके ऊपर थोपी जाती है। आपको बताया जाता है कि एक ऐसा ये लग्जरी अफोर्ड करो कि आज आपका मन नहीं कर रहा है, जबकि आप अगर देखें तो उस आदमी के पास कभी ये मौका नहीं होता कहने का जिसे सुबह उठकर जाना है पत्थर तोड़ने के लिए या बोझ उठाने के लिए, मतलब जो सुबह से शाम तक संघर्ष करके अपनी रोजी रोटी लाते हैं, वो कभी चाहे वो खुद या उनकी पत्नी, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर की बात कर लीजिए, किसी दिहाड़ी मजदूर की बात कर लीजिए, या कोई अनस्किल्ड, उसकी ये सारे चोचलेबाजियां मध्यवर्गीय जीवन की हैं जो अपने लिए कुछ छूट चाहते हैं, और ये सारी फ्रेजियोलॉजी उनको ये सब जो बाहर की दुनिया है वो उनके ऊपर थोपती है। जाने अनजाने हम इसको कहीं मान स्वीकार कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको थके हारे के बारे में कहा। क्यों नहीं होगा भाई आपका, क्यों ये आपको क्रिएटिव आदमी हो कि आप कोई बहुत प्रिविलेज आदमी है क्या? आपको लिखना है तो कलम उठानी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा नहीं बने बुरा ना बने वो अलग बात चीज है। आपको कैमरामैन है तो आपको कैमरा का वजन उठाकर चलना पड़ेगा, ट्राइपॉड उठाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी तो वहां भी है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि आज मेरे अंदर क्रिएटिव ब्लॉक है, मैं इस कैमरा बटन को नहीं दबाऊंगा या एक्सपोजर सही नहीं करूंगा या मैं पढ़ूंगा नहीं या मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा या मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा। ये कौन सी क्रिएटिव ब्लॉकेट की बात है? तो आप देखेंगे कि ये उससे जुड़ा हुआ मामला है कि आपको चौड़ी लंबी सड़कें दे दी जाती हैं, उस पर आप कभी सवाल नहीं उठाते कि आप इतनी जल्दी पहुंचकर वहां क्या करेंगे। मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि हमने दिल्ली से आगरा तक एक ऐसी सड़क बिछा दी है जहां पहले आप 4 घंटे में पहुंचते थे, अभी आप 2 घंटे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। सवाल है कि आप पहुंच कर करेंगे क्या? आप क्यों मुझको 2 घंटे में आगरा पहुंचाना चाह रहे हो? आपका कोई इंटरेस्ट है क्या? इसलिए पहुंचाना चाह रहे हो कि आपका कुरियर जल्दी पहुंच जाए, हाँ, आपका माल जल्दी पहुंच जाए, आपका मजदूर जल्दी पहुंच जाए, इसलिए आपका बस चले तो आप 1 मिनट में अपने ऑफिस हमको खींच लाओ। मतलब एज एन एम्प्लॉयर आप तो चाहोगे कि आपका एम्प्लॉई जो है वो फटाक से आ जाए सीधे, मतलब जाम वाम में ना फंसे, बहाना ना बनाए कह रहे सर देर हो गई क्योंकि जाम लगा हुआ था। तो आप तो इसके लिए बुला रहे हो ना। कितने लोग दिल्ली आगरा हाईवे का इस्तेमाल करके इलाज कराने जल्दी पहुंच गए? वो भी हो सकता पहुंच गए होंगे, लेकिन चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार सड़कें किसका फायदा कर रही है? तो ये सोचने की बात है। उसी तरह से क्रिएटिव ब्लॉक का भी मामला मुझे लगता है कि क्रिएटिव ब्लॉक एक फ्रॉड है, उस रैकेट में मत फंसिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने जिज्ञासाओं के प्रश्न उत्तर ढूंढने में लगाइए, और मन का जो अंधेरा है और जो मूर्ख बने रहने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सब लोग, उसको थोड़ा सा कम करें, और थोड़ा व्हाट्सएप से ज्ञान लेना कम करें, और मूल अपने पुस्तकों की तरफ लौटें, अपने बड़ों से बातें करें, और इस तरह से उन जो सवाल सचमुच कभी बचपन में थे कि टेलीफोन में आवाज़ कैसे आती है, तो थोड़ा एक बार फिर चलो वापस देखते हैं कि टेलीफोन में जला तार से कैसी आवाज आ सकती है। तो थोड़ा उस तरह से अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी होता है ना भाई, हम सबके मन में ये सवाल था। पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है, इतने पर इतने अक्षांश पर ऐसे टिकी हुई है, पढ़ाया जाता था स्कूल में, और फिर जाते थे तो पंडित जी बताते थे कि वो नाग देवता के फन पर टिकी हुई है। तो कभी जिज्ञासा का कोई एक पलड़ा, कभी ये भारी होगा कभी वो भारी होगा, किसको माने भाई? हाँ, मतलब जो डार्विन के विकासवाद को माने या फिर जो पुराणों और विश्वासों और अंधविश्वासों ने दिया। तो कभी भी जिज्ञासा को तो हमने एक समय के बाद स्थगित ही कर देते हैं, अरे यार कौन पचड़े में पड़े, चलो बीए किया है, एमए किया है, एक नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। तो थोड़ा मूर्ख बने रहने की प्रैक्टिस कम कर की जाए, यही हमारा आपको सब लोगों के से निवेदन रहेगा। संदेश तो क्या जी,
एक और बात पे सर आपसे पूछना चाहूंगा, आपका तलफ्फुस जो है माशाल्लाह बड़ा कमाल है, और अभी आप जिक्र कर रहे थे कि यदि कोई बुंदेलखंडी व्यक्ति होता है तो हम उसकी भाषा से समझ जाते हैं कि भाई फला तो बुंदेलखंड का होगा या फला गया का होगा। ये लगभग हिंदी पट्टी में ये बड़ी समस्या है कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का या क्षेत्रीयता का प्रभाव उस पर आ जाता है, तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, क्या स्पीच प्रैक्टिसेस हम, शायद इसको सिर्फ पढ़कर तो ठीक नहीं किया जा सकता ऐसा मेरा मानना है। नहीं, इसको मैं समस्या के रूप में नहीं देखता हूं। अगर आपको एक जी एक व्यवसाय विशेष में अगर नहीं आना है तो ये समस्या नहीं है, आना है तो भी ये समस्या नहीं है, मैं तो यहां तक कहता हूं। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि स्थानीय बोलियों और भाषाओं के अलग प्रसारण केंद्र होने चाहिए, उनकी बोलियों की विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ। अगर आपको उस पेशे में आना है तो, नहीं आना है तो मान लीजिए आपके आपका एक हाथ कटा हुआ है तो इससे कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, आप बाकी तो जीवन के काम सभी कर सकते हैं। या अगर आपको एक आंख से दिखाई नहीं देता है इससे आप अक्षम थोड़ी हो जाएंगे, ये कोई समस्या थोड़ी है, ये आपकी एक बायोलॉजिकल लिमिटेशन है। और बहुत सारे लोग एक पांव कटे होने, दोनों पांव कटे होने, एक हाथ नहीं होने से भी वो सब काम करने की तरफ बढ़ते हैं, तो हम कैसे अपने ही जो अपने सामाजिक जो हमारे सहोदर हैं हम उनको कैसे एक स्वस्थ दृष्टि से देखें। तो इसलिए उच्चारण कोई उसका आतंक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप इस बात को मानते हैं कि एक खास भाषा के शब्दों का एक खास तरह का उच्चार, हिंदी की तो विशेषता ही है कि जैसी वो बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, या जैसी लिखी जाती है वो बोली जाती है, तो बस अंतर क्या आ जाता है उसमें, इंटोनेशन का, लहजे का अंतर आ जाता है और वो बहुत डिस्टिंक्ट है, तो उसमें मुझे तो कोई ऐसी परेशानी दिखाई नहीं देती। हाँ, ये जो एक मानकीकरण है भाषा का वो एक खास ब्रॉडकास्ट पैरलांस में ये थोड़ा अभी स्वीकार्य है कि आपको एक खास तरह से इस तरह बोलना होगा कि सभी हिंदी भाषी लोग एक खास मानकीकृत इंटोनेशन को समझ पाए, तो आप देखेंगे कि रेडियो में टेलीविजन में वो लोग अधिक स्वीकार्य होते हैं और हमको भी अच्छे लगते हैं कि भाई एक ऐसी खड़ी बोली बोल रहे हैं जिसमें संस्कृत के, उर्दू के, फारसी के, अंग्रेजी के, हिंदी के शब्दों का उनके उनके अनुशासन, जैसे बोलने का जो उसका सही रूप है। वरना संख्याओं को ही ले लीजिए, संख्याओं के उच्चारण में मध्य प्रदेश का आदमी 24 को कुछ और बोल सकता है, 43 को पंजाब का आदमी कोई और बोल सकता है, 99 को, 92 को कोई। संख्याओं के मामले में तो बहुत सारे उच्चारण भेद मिलते हैं, उसको एक मानकीकृत ब्रॉडकास्ट में, ताकि ये ना हो कि एक का मतलब 49, 49, तो ये इस तरह का भेद ना हो, एक स्टैंडर्ड संख्या आपको, क्योंकि एक बार प्रसारण हो गया तो दोबारा तो मौका नहीं है। आपको अगर बता दिया गया कि 49 में मेरा जन्म हुआ और आप इस चक्कर में पड़ रहे कि 49 में हुआ कि 55 में हुआ या 59 में हुआ, तो इससे तो ब्रॉडकास्ट का जो पर्पज ही डिफीट हो जाता है। इसलिए वो सब थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्डाइज जो किया गया है वो किया गया है, इसलिए उसको समस्या की तरह वरुण मत देखिए। अगर आपको उच्चारण के क्षेत्र में नहीं उतरना है, सहज स्वाभाविक अपनी बोली भाषा का सम्मान करते हुए, अपनी माँ बोली का सम्मान करते हुए हमें अपना अपनी जगह बनाए रखना चाहिए, जगह टिके रहना चाहिए। जी जी। और एक और बहुत एक मुझे लगता है कि वो एक बहुत जरूरी बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। सुशांत राजपूत के इंसिडेंट के बाद आपने अपने इंटरव्यूज की कुछ छोटी क्लिप्स शेयर की थी इस टाइटल के साथ, आत्महत्या ना करें तो क्या। अच्छा, यदि लोगों में आ जाती है तो कैसे। दो चीजें हैं, एक तो वो अगर वो कोई न्यूरोलॉजिकल कारण आपके साथ हो, आपके परिवार के किसी के साथ हो, किसी भी तरह का
मतलब वो मन की एक ऐसी दुनिया है जो आपके न्यूरोलॉजिकल एरिया में एड्रेस करने की आप वही जो जिसको मैं कह रहा हूं कि वो आपकी शारीरिक बायोलॉजिकल किसी लिमिटेशन लाने की जरूरत है, उसको आप खुद अगर चिन्हित कर पा रहे हैं तो आपका कोई परिवारी जन कोई समीपी व्यक्ति अगर चिन्हित कर पा रहा है उसकी सलाह मानिए और उचित इलाज के लिए जाइए ताकि वो एग्रीवेट ना होता जाए कि एक समय ऐसा आए जब आप पर दवाएं भी असर करना बंद कर दें और एक समय में आप एक स्पर ऑफ मोमेंट में आप कोई ऐसा फैसला ले बैठें क्योंकि वहां आपके हाथ में ये नहीं रह जाता कि आप ना वो एक स्पर ऑफ मोमेंट में आता है ये संग में एड्रेस करने योग्य है। दूसरी जो चीज है जो सब बहुत बड़ा उससे एक कोशेंट उसमें फॉर्म होता है वो है ये जो कंज्यूमरिज्म के साथ आई हुई चुनौतियां हैं उससे कोप अप कर पाना बहुत चुनौती भरा काम है। अगर आपने अपने लिए अपने जीवन के डूज डोंट्स और अपने रास्ते खुद नहीं तय मतलब बनाए या लक्ष्य चिन्हित नहीं किए हैं और आप देखा देखी एक ऐसी वैभव की और विलासिता की और कंज्यूमर की दौड़ में हैं तो वो तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि कोई अमीर या गरीब जो भी होगा वो तुलनात्मक रूप से ही होगा। कोई इतना अमीर नहीं हो सकता कि उससे अमीर कोई ना हो, हाँ? कोई गरीब इतना नहीं हो सकता कि उससे भी गरीब कोई ना हो, जो भी है वो तुलनात्मक रूप से है। अपनी स्थिति को ठीक से समझना कि हम कहां से आए और कौन सी चीज है जो हमको ड्राइव कर रही है, कौन सी चीज है, कौन सी चीज हमें पानी है, इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत होती है। जो लोग नहीं समझ पाते और वो अपने पीयर ग्रुप में और खासतौर पर इसमें ग्लिटर और ग्लॉस की दुनिया में खासतौर पर उनके पास एक तो समय कम हो जाता है, जैसे ही वो प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड होना शुरू होते हैं उनके पास छोटी छोटी चीजों के लिए समय, अपनी नींद के लिए समय कम होता है, मतलब खाने के लिए समय कम होता है, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए समय कम होता है और इस तरह उनके इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो उनके थोड़े तुरंत पैदा हुए धन का लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये सब ऐसी छोटी 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 चीजें आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती है कि आपको मालूम नहीं चलता कि अब आप किस नाव पर सवार हो गए और वो आपको कहाँ ले जाकर डुबो देगी और ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। और फिर वो एक समय आता है जब आप उससे निकलने का मार्ग आपको नशा सूझता है कि आप नशे के फिर आदि अपने आप को अधिक से अधिक अपने आप अपने स्नायुओं को उत्तेजना देने या सुलाने के दो एक्सट्रीम्स पर आप काम करना शुरू कर जाते हैं और आपका जो रेशनल है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। जो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इस कंज्यूमरिज्म का एक कहीं हिडन एजेंडा भी है, वो आपको सफलता का नशा, आपको चीजों के खरीदने का नशा, इस तरह के नशे में आपको बिना सोचिए कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की चीज क्यों खरीदना चाहते हैं कभी बैठकर सोचिए, मतलब और फिर ये सोचिए कि अगर उस ब्रांड के अलावा भी कोई चीज आपने खरीदी होती तो भी आपका वही तो काम करती, मतलब कौन सा ऐसा काम है जो आप 36,000 रुपए में तो कर सकते हैं लेकिन 26,000 रुपए में नहीं कर सकते। ये बात समझने की है कि आप 36,000 रुपए आपको क्यों चाहिए किसी चीज के लिए जो काम आप 26,000 रुपए में कर सकते हैं या 16,000 रुपए में कर सकते हैं। तो अब यहां पर वो फर्क हो जाता है कि अब आप या जो सब लोग इस दौड़ में शामिल हैं वो ऐसा करते हैं, इसलिए आप भी ऐसा करते हैं, जब आप करते हैं
तो फिर एक चीज दूसरी। तो इसलिए मैंने तब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद ऐसे संदर्भों को जो प्रेरक संदर्भ थे हमारे गुफ्तगु इंटरव्यू से, मैंने वो लाकर सामने रखे कि ये सिर्फ जीवन। और जिसको अभी जयदीप बहलावत ने हमसे एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही, आपने देखा होगा, कि मैंने सर ऐसा कोई काम नहीं किया जो सिर्फ मैंने किया। जी जी बिल्कुल। आपने नहीं देखा हो तो देखिए जयदीप जो पहली बार वो बोला कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो पहले किसी ने नहीं किया हो। जिस दिन मैं वो ऐसा काम करूंगा उस दिन मैं इतराना शुरू करूंगा। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये लोग खासतौर पर जो बहुत तुरंत सफलता चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि लंबी यात्राओं के बाद, लंबे संघर्षों के बाद लोगों ने कोई चीज अचीव की है। और एक जिसे कहते हैं कि सहज पक्के सो मीठा हो, तो एक चीज का एक इंक्यूबेशन टाइम होता है। आप उसके बिना आपको कोई चीज हो सकता है कि बहुत उसमें बाय हुक और बाय क्रूक मिल जाए या बाय चांस मिल जाए। जी सर, बहुत बहुत ही कमाल की बात आपने कही, और ये वाकई में अमल करने वाली बात है कि हमें कंज्यूमरिज्म से थोड़ा उचित दूरी बनाना बहुत जरूरी है। सर, आप इतने सारे फिल्म और रंगमंच से जुड़े लोगों को साक्षात्कार करते हैं, तो यदि मैं आपसे 5 फिल्मों का रिकमेंडेशन पूछूं, और यदि आप वेब सीरीज देखते हो तो मैं चाहूंगा आप 5 वेब सीरीज का भी रिकमेंडेशन दें जो देखनी ही चाहिए या देख लेनी चाहिए, आपके तहीं वो अच्छी थी। वेब सीरीज में तो मैं कोई वेब सीरीज रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका एक कारण तो ये भी है कि मैं बहुत देख नहीं पाता, मतलब देखना का साहस करता हूँ, 5-10 मिनट देखने के बाद फिर मेरा धैर्य छूट जाता है, तो वो मेरी अपनी समस्या है। वेब सीरीज मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अब रह गई बात किसकी, फिल्म की, वरुण जी। हाँ जी जी। अच्छा, तो फिल्म, हाँ जी, तो जैसे कि मुझे जो मैं कहूंगा ऋत्विक घटक की आपको मेघे ढाका तारा जरूर देखनी चाहिए। आपको सत्यजीत रे की पथेर पांचाली जरूर देखनी चाहिए। पथेर पांचाली। आपको एम एस सत्यु की गर्म हवा देखनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म। आपको सोने की चिड़िया, एक बलराज सहनी की फिल्म है, वो भी देख ही लेनी चाहिए। और आपको मणिकॉल की उसकी रोटी भी देख लेनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि सिनेमा वही नहीं होता जो आपको बताया गया है, बल्कि एक मतलब ये सिनेमा टूल्स का इस्तेमाल कुछ और भी तरह से किया जा सकता है। और आपको विटोरियो डिसिका की बाइसिकल थीफ भी देख लेनी चाहिए। अब ये सब बातें कहते हुए मैं वो जो फिल्म इंस्टीट्यूट में फिल्म अप्रिसिएशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिल्में हैं, मैंने वो आपको रैंडमली बता दी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई मतलब आखिरी रिकमेंडेशन है। इसमें अभी एन नंबर ऑफ फिल्म अलग अलग देशों की शामिल हो सकती हैं, जिस पर फिर आगे भी चर्चा हो सकती है। जी सर, बेशक। और सर, यदि 5 किताबें आप रिकमेंड करना चाहें। हाँ, तो आपको आपको हाँ मेरा ख्याल है आपको महाभारत जो कि निराला जी ने लिखी वो पढ़ लेनी चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित महाभारत पढ़ लेनी चाहिए। आपको आधा गांव पढ़ लेनी चाहिए जो कि राही मासूम रजा की है। अपनी खबर जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की लिखी हुई किताब है। आपको मैक्सिम गोर्की के जीवन से जुड़े हुए तीनों खंड पढ़ लेने चाहिए, जिसको मैं एक ही किताब मान के चल रहा हूँ, जो मेरा बचपन और जीवन की राहों पर और मेरे विश्वविद्यालय नाम से, वो तीन हिस्सों में उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वो पढ़ लेनी चाहिए। और हम समझते हैं कि कुछ कविताएं भी आपको जरूरी पढ़नी चाहिए, मतलब रघुवीर साय की कविताएं पढ़ सकते हैं। कविताओं में यदि सर कोई रिकमेंडेशन हो। हाँ, क्यों नहीं, मतलब जैसे मुझे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत अच्छे कवि लगते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं पढ़ सकते हैं, रघुवीर साय की पढ़ सकते हैं।
आप भवानी प्रसाद मिश्र की पढ़ सकते हैं, मुक्तिबोध की तो है ही पढ़ने की लिए कविताएं, तो ये है। सर एक क्वेश्चन हमारे ऑडियंस में मतलब फेसबुक लाइव पर पूछा गया है, ऋचा तिवारी जी ने पूछा है, वो कहती हैं आपने कभी छात्र जीवन में एक अभिनेता के रूप में नाटक में भाग लिया है? जी लिया है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता सकें? वो गोरकी के लोअर डेप्थ पे शायद वो था प्ले, उसका नाम था युद्ध, जिसमें मैं एक डॉक्टर का रोल कर रहा था जो कि मुझे बहुत ही मतलब अपनी अनुभव के रूप में याद है। उसका बार बार रिहर्सल्स हुए, एक ही चीज को बार बार करना पड़ता था, तो वो किया, उसके बाद भी किया, लेकिन अभिनय चाहे वो थिएटर में हो या फिर बाद में सिनेमा में या टेलीविजन के लिए हो, वो मुझे कभी रुचा नहीं। खासतौर पर उसमें जो टेक रीटेक रीटेक होते हैं, वो एक ही काम को बार बार एक ही तरह से करना मुझे कुछ जमता नहीं है। जी जी धन्यवाद सर, ओवर टू यू वरुण भैया। जी तो मुझे लगता है अब हम बिल्कुल बातचीत के आखिरी पड़ाव पर है सर, जो आप अक्सर अपने इंटरव्यू में किया करते हैं वही कहकर मैं आऊंगा, यदि कोई ऐसी बात थी जो हम नहीं पूछ पाए या जो आप कहना चाहते हो तो वो आप जरूर हमारे साथ साझा करें सर। हाँ उसका एक सवाल जो हमसे छूट गया हो। हाँ उसका एक हिस्सा मैं पहले कह चुका हूँ उस जवाब का, जो मैं फिर उसको आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए हम लोग हमारी अपनी एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ ऐसी खामियों की वजह से, कमियों की वजह से, के रूप में आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और सूचना में एक कंसिस्टेंसी नहीं है, और पढ़ने का संदर्भ हमारा सिर्फ उतना ही है कि हम नौकरी पा लें, नौकरी पाने के बाद जो पढ़ता है उससे पूछा जाता है कि क्या कोई एग्जाम होने वाला है, अगर एक बार नौकरी पा लिया तो आमतौर पर पढ़ना बंद कर देता है। तो पढ़ने से हम एक गतिमान व्यक्ति बने रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वही जो बात मैंने कही थी कि मूर्ख बने रहने की जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको उसके खिलाफ पढ़ना, संगीत सुनना, लोगों से मिलना, संवाद करना, ये एक ऐसा काम है जो मैं चाहूँगा कि जो लोग भी मेरी किसी बात पर विश्वास मतलब मुझे स्नेह करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो इसको करें, मतलब मूर्ख बने रहने की प्रैक्टिस थोड़ा कम करें, जिसके लिए ये सब चीज़ें काम आएंगी। अच्छा संगीत सुनना, मतलब आप कैसे कह सकते हैं, आप एक तमिल या तेलुगु गाना सुनते हुए आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मतलब अगर आप कहते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आती हैं तो आप हमको बताइए कि जो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो सबसे ज़्यादा गरीब क्यों रहता है, ये बात तो आपको समझ में आ जाती है। लेकिन एक तमिल या तेलुगु या मलयालम गाना सुनते हुए आप हमेशा हमसे पूछेंगे कि ये समझ में नहीं आया, तो ये समझ में आने की जो आपकी तमन्ना है वो एक तरफा क्यों है? एक तरफ एक चीज समझ में नहीं आती और दूसरी तरफ एक विडम्बना आपको समझ में आती है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा मूर्ख बने रहने की जो प्रैक्टिस है वो सब लोग थोड़ा थोड़ा हमारे यार लोग कम करें तो अच्छा रहे। जी सर बहुत 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 धन्यवाद। जितने लोग हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं मैं उन्हें ये रिकमेंडेशन जरूर दूंगा कि यूट्यूब पर आप खोज कर पूरे 400 इंटरव्यू सर के जरूर देखें। राज्यसभा टीवी पर ये प्रोग्राम हुआ करता था और अब ये प्रोग्राम पिछले फरवरी माह से भारत के सबसे बड़े साहित्यिक प्लेटफॉर्म जश्न रेखता के यूट्यूब चैनल पर हुआ करता है हर रविवार को रात 10 बजे। सो आप वे जरूर देखें, मूर्ख रहने की प्रैक्टिस जो है थोड़ी कम आपकी जरूर हो जाएगी उनको देखने के बाद, और आज इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आज रविवार ही है, तो आज अब से 1.5 घंटे बाद आप देख सकेंगे शुजात खान के साथ इंटरव्यू, जो कि प्रख्यात सितार वादक और गायक हैं उस्ताद शुजात खान, जो कि एक बड़े सितारिये गुलाब खान साहब के बेटे भी हैं। आज रात 10 बजे जश्न रेख्ता पर जरूर देखिए,
और जश्न रेख्ता चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। तो अभी आने वाले महीनों में आपको कुछ और भी दिलचस्प बातों का ये सिलसिला सुनने को मिलेगा। तो आपको वरुण, आपको और हर्ष, आपको और तान्या बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे जगह दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही हम लोगों को लगातार प्रेरणा देते रहें, अच्छे अच्छे लोगों से हमारा परिचय कराते रहें, और इसी तरह ये रेखता का काम लगातार चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।